अच्छा, हाउस बिल में शेतवान नजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आवाज आ रही है मेरी? कुछ प्रैक्टिकल के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपके इंस्ट्रक्टर हसनैन, और बाकी रिएक्ट के लिए स्पेशली कुछ चीज़ें अभी हम शुरू करेंगे। लेकिन अगेन वही बात है कि जब तक हमारी बेसिक्स क्लियर नहीं है, हम रिएक्ट को प्रॉपर नहीं स्टार्ट कर सकेंगे। तो एक मैं गो थ्रू करने जा रहा हूँ, और ये तो स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए अब तक जो हमने चीज़ें सारी सीख ली हैं। तो बेसिकली इसमें जो हम लोगों ने काम करना है वो फ्रंट एंड के लिए HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, jQuery और React JS, और बैक एंड के लिए Express JS, Node JS, MongoDB और कुछ बैक एंड फ्रेमवर्क भी हम कर सकते हैं लाइक ASP.NET, लेकिन वो ASP.NET कोर्स का हिस्सा नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया गया। जो बेसिकली जो ये पहले भी बताया जा चुका है कि नोड जेएस और मंगो डीबी और एक्सप्रेस ये बैकएंड साइड पे यूज होती है रिएक्ट मर्न स्टैक के अंदर। ये स्लाइड वैसे ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन अब प्रॉपर हम रिएक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेते हैं। तो फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए बेसिकली इसका एजेंडा क्या होता है, इसका यूजेज इसके क्या होते हैं, उसमें आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्री में फ्रंट एंड और बैक एंड की एप्लीकेशन बनाने में यूज़ होता है, स्पेशली फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब एप्लीकेशंस। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं? ऐसी एप्लीकेशंस जी, अब आपको आवाज़ आ रही है? ओके, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं? ऐसी एप्लीकेशंस या ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी भी टूल्स के ऊपर चल जाए, किसी भी वेब बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल जाएँ। लाइक अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हो एंड्रॉयड के लिए या iOS के लिए बनाना चाहते हो या विंडोज़ के लिए बनाना चाहते हो, तो ये क्रॉस प्लेट एप्लीकेशंस डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर चल सकती हैं। तो अगर आप मर्ज स्टैक पे काम करोगे तो आपको डिफरेंट किस्म की सेपरेट सेपरेट एप्लीकेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म के हिसाब से आपको एक कंबाइन एक ही एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, और वही मुख्तलिफ कन्वर्जन्स टूल्स की मदद से आप कन्वर्ट करके iOS के ऊपर और एंड्रॉयड के ऊपर चला सकते हो। तो वेबसाइट और वेब पेज बनाने का तरीका आप ऑलरेडी सीख चुके हो, हम चूँकि अभी रिवाइज कर रहे हैं। तो इसमें हमने ये पहले भी देख लिया कि फ्रंट एंड हमारा HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap वगैरह के ऊपर बनता है, और जो बैक एंड है वो हमारा MongoDB, Express, React और Node.js की मदद से बन सकता है। रिएक्ट है इसके अंदर हम फ्रंट एंड के ऊपर काम करते हैं। तो ये स्लाइड्स हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, प्रेजेंट कर चुके हैं, एक दफ़ा गो थ्रू कर रहा हूँ। तो बैक एंड के लिए कुछ और भी टूल्स यूज़ हो सकते हैं जैसे PHP वगैरह, ASP.NET वगैरह, लेकिन अगर आप प्योरली मन स्टैक के ऊपर काम करना चाहते हैं तो फिर आपको एक्सप्रेस JS, नोड JS और MongoDB का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो मन स्टैक में जो डिफरेंट स्टैक्स होते हैं, मन स्टैक इसलिए कहते हैं कि इसके थ्री स्टैक्स हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट जिसमें HTML, CSS, JavaScript और Bootstrap होगी, और बेसिकली हम सारा कुछ मैनेज कर रहा होगा React JS, और ये React जो है वो अपनी तमाम कम्युनिकेशन कर रहा होगा पीछे बैकएंड के साथ जो कि Express का फ्रेमवर्क है उसके साथ, और Express जो है वो बेसिकली Node.js के वेब सर्वर के ऊपर रन होता है। Node.js एक वेब सर्वर यानी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टू सर्व द वेब, और जिसमें आपकी मोंगूज जो कि डेटाबेस के तौर पर यूज़ होती है, ये एक फ्रेमवर्क है जो कि डेटाबेस यानी MongoDB के साथ कम्युनिकेट करता है। तो वो थर्ड टीयर है, थर्ड स्टैक है। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, हम बेसिकली कोई भी आप ऐप बना सकते हो रिएक्ट की मदद से या .NET की मदद से, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो अपनी रिएक्ट के साथ। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जो ज़्यादातर जो हम काम कर रहे हैं आजकल वो ये फ्रेमवर्क्स हैं HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap और रिएक्ट। तो कुछ टेम्पलेट्स हैं जो ऑलरेडी हम मैं बता चुका हूँ कि हम अपने इन फ्रेमवर्क की मदद से बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म के फ्रेमवर्क्स बना सकते टेम्पलेट्स बना सकते हैं HTML की मदद से, नॉट अलोन फ्रॉम HTML, बट हमारे पास CSS का भी आइडिया हो गया है, जावास्क्रिप्ट का भी आइडिया हो गया, और बूटस्ट्रैप को भी आपने एक्सप्लोर किया है। अगर नहीं किया तो आगे चल के मैं थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद रिएक्ट, तो HTML के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, HTML के टैग्स पढ़ चुके हो, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा रिवीजन है जो बच्चे अभी तक, कुछ नए बच्चे भी आए हुए हैं तो वो भी ज़रा समझ लें। और HTML का बेसिक स्ट्रक्चर आप सीख चुके हो, आप डिफरेंट किस्म के टैग सीख चुके हो, पैराग्राफ्स के बारे में सीख चुके हो, HTML की फॉर्मेटिंग डिफरेंट किस्म के टैग से हम कर सकते हैं,
और यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हम HTML के हर टैग्स के लिए क्या करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेट करते हैं जिनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर क्लास सेट करना, आईडी सेट करना, तो मुख्तलिफ किस्म के एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं जैसे क्लास टाइटल, एचरेफ आईडीज वगैरह, सोर्स, ऑल्ट, हाइट, विड्थ, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। ये भी आपको बताया जा चुका है कि ब्लॉक लेवल पे एलिमेंट्स जो होते हैं ये टॉप टू द बॉटम रन होते हैं, जैसे राइट साइड पे आपको दिखाया जा रहा है, और एलिमेंट इन लाइन में आप हॉरिजेंटली अलाइन हो जाते हैं आपके एलिमेंट्स। आपने अपनी इमेजेस कैसे इंसर्ट करनी है, लिंक्स कैसे चलाने हैं, यू मस्ट नो अबाउट इट क्योंकि ये चीज़ पढ़ा दी गई है। सिमिलरली अगर आपने टेबल्स टेबल्स बनाने हैं तो टेबल के लिए आप कौन सा टैग यूज करते हो, उसकी रो कॉलम्स मर्ज वगैरह कैसे करते हो, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। ये एक सैम्पल सा टेबल है जिसके अंदर आप टेबल और TR वगैरह इंसर्ट करके दिखा सकते हो। उसके बाद लिस्टिंग कैसे इंसर्ट करवाते हैं, लिस्टिंग के लिए आपके पास मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस आ जाती हैं, और इसका पर्पस भी आपको पता चल गया कि टू डू लिस्ट है लाइक, तो उसमें आपकी लिस्ट सारी शो होनी चाहिए। फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स में आपको इनपुट्स के भी पता चल गया, सिलेक्ट ऑप्शन, किस तरह से हम फॉर्म पूरा फिल करते हैं, उनकी इनपुट टाइप्स क्या होती हैं, इस पर हम डिटेल बात कर चुके हैं। कुछ मीडिया एलिमेंट्स हैं जो हम अपनी वेबसाइट के अंदर लगाते हैं लाइक ऑडियो, वीडियो, आई फ्रेम, सोर्स, इन तमाम के टैग्स मौजूद है। जस्ट ये टैग्स आपको दिए गए हैं, ये यूज़ करें तो आपकी वीडियो चल जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिविजन फॉर फ्रंट एंड। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट, हमारी जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, नेक्स्ट स्लाइड है, वो है अबाउट सम फ्रेमवर्क्स। अब अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें तो फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, अब ये कुछ थोड़ा सा स्टफ नया मिलेगा आपको। मिसाल के तौर पे अभी आप लोगों ने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में ये देखा कि CSS को हम कैसे यूज करके अपनी वेबसाइट का टेम्पलेट बना सकते हैं। तो कितने लोगों ने CSS पे काम कर लिया हुआ है, माशाल्लाह क्लास को तो आइडिया होगा, शाबाश। तो CSS पे काम करना इट्स बिट टाइम कंज्यूमिंग है एज वेल। अगर आप CSS पे काम करते हो तो आपको एक एक एलिमेंट पकड़ के उसकी प्रॉपर्टीज, एक एक प्रॉपर्टी, एक एक एट्रीब्यूट्स के ऊपर काम करना पड़ता है, जिससे क्या हो जाता है, काम लंबा भी हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। तो इस चीज़ को कैटर करने के लिए CSS के फ्रेमवर्क्स, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं, उसमें से वन ऑफ द बिग नेम इज बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क के बारे में कितने लोगों ने सुना हुआ है, ओनली फ्यू ऑफ पीपल। तो बूटस्ट्रैप जो है बेसिकली एक ट्विटर कंपनी है जिन्होंने डेवलपर्स की आसानी के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म के अंदर CSS की लाइब्रेरी बना के रख दी है। अब CSS की लाइब्रेरी से क्या मुराद, CSS की लाइब्रेरी से मुराद ये है कि आपको एक्सटर्नल CSS विद ऑल टाइप्स ऑफ नेसेसरी रिक्वायरमेंट क्लासेस बना के उसमें रख दी गई हैं, और उनको आप यूज़ करते हो उन क्लासेस को। ये ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने कैसे सीखा था कि एक्सटर्नल CSS को हम किस टैग की मदद से इंक्लूड करते हैं अपने HTML में, लिंक के थ्रू। तो बस ये भी लिंक के थ्रू इंक्लूड हो जाता है और सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाती हैं। अब इसके अंदर क्या होती हैं, तीन चीजें होती हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, आगे चल के देखते हैं। एक उसका लेआउट, क्या लेआउट, लेआउट को हम किस तरह से मैनेज करते हैं, लेआउट को हम ग्रिड्स के थ्रू मैनेज करते हैं। तो इसमें लेआउट के अंदर आप ग्रिड सीखते हैं, ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम क्या है, मिसाल के तौर पे जैसे कोई भी आप पेज बना रहे हैं तो इसमें कितने कॉलम्स, कितनी रोज बनेंगी और उनमें स्पेसेस कितनी होंगी, उनका अरेंजमेंट क्या होगा, इसको हम लेआउट कहते हैं। तो बूटस्ट्रैप आपको बहुत ही आसान तरीके से लेआउट मैनेजमेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जो दूसरी चीज़ इसके अंदर है वो है इसके कंपोनेंट, क्या कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होते हैं, लेट्स से आपने एक पूरा वेब पेज का स्ट्रक्चर बना लिया, अब उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत है, यानी रेडीमेड सॉल्यूशंस अवेलेबल है। जैसे नेविगेशन बार इज अ कंपोनेंट, एक बैनर है, स्लाइड शो है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसमें आपका कंटेंट स्लाइड हो रहा होता है, ये कंपोनेंट है। कैरोसेल, इसको क्या कहते हैं, कैरोसेल। इसके अलावा टैब्स हैं, नेविगेशन बार्स हैं, पिल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो गैजेट्स हैं वो सारे के सारे इसमें बने बनाए मौजूद हैं। आपने जस्ट उनका स्निपेट कॉपी पेस्ट करना है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है, अभी मैं आपको एक्सप्लोर भी करवा देता हूँ, समझा भी देता हूँ। तो बूटस्ट्रैप को हम इंक्लूड करके उसके ग्रिड में भी काम कर सकते हैं, उसके हम लेआउट में भी काम कर सकते हैं और उसके कंपोनेंट में भी काम कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ बूटस्ट्रैप के अंदर ये आ जाती है कि आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर आप बूटस्ट्रैप 5 यूज़ कर रहे हो और तमाम बच्चे बूटस्ट्रैप 5 यूज़ कर रहे हैं तो सबकी वेबसाइट एक जैसी बन जाएगी। तो इसको कस्टमाइज करने का तरीकाकार क्या है कि आप लोग एक चाइल्ड थीम बनाते हो, चाइल्ड थीम के अंदर पहले से दी गई क्लासेस को ओवरराइड करते हो
तो आपकी वेबसाइट की लुक एंड फील टोटली डिफरेंट हो जाती है। तो इस तरह से आप अपनी बूटस्ट्रैप को क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। तो सीएसएस बड़ी डिटेल में हमने पढ़ी, इसमें सिलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू होती है, प्रॉपर्टी और वैल्यू भी हम देख चुके हैं, सिलेक्टर के हम टाइप्स भी देख चुके हैं, कितने किस्म के सिलेक्टर्स होते हैं, ये सब आपको पढ़ा चुके हैं। आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, टैग सिलेक्टर, डिसेंडेंट सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर, ये सब पढ़ चुके हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो सिलेक्टर कर्ली ब्रेसेस, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। अब ये जो प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू है जो यहाँ पर आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा है, ये मल्टीपल टाइम यूज हो सकती है, जिसमें मैंने आपको दो आइडियाज बताए थे कि जब भी आपने किसी भी एलिमेंट को डिजाइन करना है तो उसमें अपने दो कॉन्सेप्ट मद्देनजर रखने, एक ब्लॉक या बॉक्स और दूसरा टेक्स्ट। तो जब हम बॉक्स की बात करते हैं तो उसमें आप वेट, हाइट, पैडिंग, मार्जिन, बैकग्राउंड कलर, पोजीशन, इस तरह की सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं तो टेक्स्ट में आप फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई कर सकते हो, फॉन्ट फैमिली, इसी तरह टेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, शेडो, ये सारी चीज़ें आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसका मैंने तरीका भी बता दिया था कि एक डिटेल लिस्ट इसके अंदर मौजूद है जिनकी मदद से आप प्रॉपर्टी वैल्यू अपनी मर्जी की लगाते चले, इस तरह से आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो, प्रॉपर्टी कॉलम वैल्यू, मल्टीपल किस्म की प्रॉपर्टीज लगा सकते हो। तो ये ऑलरेडी बात हो चुकी है, सिलेक्टर की टाइप्स के बारे में बात हो चुकी है, ठीक है, आईडी सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर, क्लास, सीएसएस, ये सारी स्लाइड्स आपको शेयर भी कर दी गई हैं आपके गूगल क्लासरूम में, इन स्लाइड को आप पढ़ के आप काफ़ी कुछ दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो ये इन तमाम सिलेक्टर की टाइप्स के बारे में आपको बता दिया गया हुआ है, ये एक रीकैप है, ठीक है, आज का जो पहले 15-20 मिनट है रीकैप कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि हमने अब तक क्या पढ़ लिया। और सीएसएस को इंक्लूड करने के तीन तरीके भी हमने पढ़ लिए थे, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, पढ़ लिए थे ना। उसके बाद सीएसएस के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि प्रायोरिटीज क्या होती हैं, इनलाइन की प्रायोरिटी हाई होगी या एक्सटर्नल की हाई होगी, जो बाद में प्रॉपर्टी डिसाइड होगी उसकी प्रायोरिटी हाई हो जाती है। और स्पेशली अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी के आगे इंपॉर्टेंट लिख दिया है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डालने के बाद, तो उसकी प्रायोरिटी हाई हो जाती है। बैकग्राउंड कलर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज बहुत सारी आपको बता दी गई हैं, आरजीबी कलर कोड क्या होता है, हेक्साडेसिमल कोड क्या होता है, सीएसएस के बैकग्राउंड को कैसे सेट करते हैं, डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस मौजूद हैं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड यूआरएल, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये सारी प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। जो कि जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपने प्रॉपर्टी को समझना है तो बॉक्स मॉडल को ध्यान में रखना है। तो बॉक्स मॉडल में कुछ मार्जिन होते हैं, कुछ बॉर्डर होते हैं, कुछ पैडिंग होती है, कुछ कॉन्टेंट होता है, इन सबको वन बाई वन अलहदा आप इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगा सकते हो। अच्छा, इसमें डिस्प्ले की एक प्रॉपर्टी है जिसमें आप फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट और फ्लोट सेंटर कर सकते हो। इन लाइन में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इन लाइन एक ही रो के अंदर अगर आप दिखाना चाहते हो तो उसको इन लाइन करोगे, वो इन लाइन ब्लॉक हो जाएगा। उसके अलावा टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल वगैरह एटसेट्रा। यहाँ पर इस स्लाइड में डिफरेंट किस्म की आपको फॉन्ट फैमिलीज बताई गई हैं और उनकी आउटपुट्स भी बताई गई। अच्छा, अब आगे चलते हैं बूटस्ट्रैप के ऊपर। बूटस्ट्रैप की फंडामेंटल्स पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका तरीकाकार बताऊंगा कि इसको हमें कैसे अपनी फ्रंट एंड के अंदर इंप्लीमेंट करना है। तो बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप बेसिकली फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आप इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे टाइपोग्राफी के लिए, फॉर्म्स के लिए, बटन्स के लिए, टैबलेट्स के लिए, टेबल्स के लिए, नेविगेशन के लिए, मॉडल्स, इमेजेस, कैरोसेल्स, और बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको हम कंपोनेंट कहते हैं, आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। मजेदारी वाली बात यह है कि जो काम आपको सीएसएस में करने में कई हफ्ते लगते थे, बूटस्ट्रैप में कई घंटों में हो जाता है। तो इसलिए बूटस्ट्रैप की अगर सीएसएस को यूज करते हुए काम करोगे तो आपको सीएसएस बिल्कुल भी नहीं लिखनी पड़ती, आप सिर्फ कंपोनेंट्स को कॉपी और पेस्ट करते हैं और रन करते हैं तो आपका वेबसाइट का लेआउट रेडी हो जाता है। तो अभी हम अभी थोड़ी देर में एक लेआउट बनाना सीखेंगे बूटस्ट्रैप की मदद से और उसके अंदर डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स भी इंक्लूड करेंगे। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि बूटस्ट्रैप के अंदर सबसे पहले जो चीज़ होती है लेआउट को डिज़ाइन करना। तो लेआउट को डिज़ाइन करने के लिए आपको ग्रिड सिस्टम पे काम करना पड़ता है। तो ग्रिड सिस्टम को समझने के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कंटेनर, रो, कॉलम, कॉलम विड्थ, रिस्पॉन्सिव ब्रेकडाउंस, ब्रेक पॉइंट्स। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बात बताऊं, अभी इसी स्क्रीन को देख लें तो आपका एक कंटेनर है, ये जो वाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? कंटेनर। कंटेनर के अंदर लेट्स से अगर मैं कहूं कि ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है, तो ये रोज है। अगर मैं इसको टेबल्स की शक्ल में दिखाऊं तो रोज एंड कॉलम्स उसके अंदर फर्दर आ जाते हैं। हर कॉलम की डिफरेंट विड्थ सेट कर सकते हो। तो यानी अगर आप पेज को इस तरह से अरेंज करो
कंटेनर आ जाए, रोज आ जाए, रोज के अंदर कॉलम्स आ जाए और कॉलम्स की विड्थ सेट हो जाए, और उसके बाद वो विड्थ अपने आप को चेंज कर सके एज पर द स्क्रीन साइज। तो अगर आपको ये पांच कॉन्सेप्ट समझ आ गए, कंटेनर, रो, कॉलम, कॉलम विड्थ और रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स, अगर ये पांच कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाते हैं बूटस्ट्रैप लिट सिस्टम के अंदर, तो आप बड़ी अट्रैक्टिव किस्म के लेआउट्स बना सकते हो, जो कि अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसका ये लेआउट है, मिसाल के तौर पर अगर आप इस किस्म का लेआउट अपनी वेबसाइट पर बनाना चाहते हो, तो आपको विदाउट वर्किंग ऑन एनी सी एस एस स्टाइल क्लासेस, आप सिर्फ एच टी एम एल की मदद से ये पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हो। अभी इसमें देखिए कि कंटेनर है सबसे बाहर, कंटेनर के अंदर कितनी रोज हैं गिन के बताएं, पांच रोज हैं, और पहली रो में कितने कॉलम हैं, और दूसरी रो में, तीसरी रो में, और उसके बाद इनकी विड्थ भी मुख्तलिफ है ना, सबसे लास्ट वाली रो में 12 कॉलम्स हैं। तो आपने ये बात समझनी है कि बूटस्ट्रैप आपको मिनिमम मिनिमम 12 कॉलम बनाने की फैसिलिटी दे देता है, और उसके बाद इससे कम कॉलम्स भी बना सकते हैं, दो कॉलम्स भी बना सकते हैं एक रो में, एक कॉलम भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ये अभी मैं आपको आगे चल बताता हूँ। अच्छा, इसी तरह अगर आपने इस तरह का एक नेविगेशन बार बनाना है, तो सिंपली एक स्निपेट है कोड का, उसको कॉपी पेस्ट करेंगे आप, उसका कॉन्टेंट चेंज करेंगे, आपकी नेविगेशन बार रेडी है। मुख्तलिफ किस्म की नेविगेशन बार की फैसिलिटी मौजूद है, इस तरह के नेविगेशन बार अपीयर हो जाते हैं, आप इनको ईजिली बना सकते हैं विदाउट एनी हसल। अच्छा, इसके अलावा मॉडल्स क्या होते हैं, बूटस्ट्रैप मॉडल्स, मॉडल्स पॉपअप्स होते हैं। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ उसमें इंक्लूड करनी है जो आपको प्रॉम्प्ट करें, तो उसके लिए मॉडल्स यूज होते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, जेक्यूरी, इसकी मदद से ये जनरेट हो सकते हैं बूटस्ट्रैप के। तो बूटस्ट्रैप के कुछ और कंपोनेंट्स भी मौजूद हैं, मॉडल कंपोनेंट है, मॉडल स्ट्रक्चर है, मॉडल ट्रिगर है, मॉडल साइज है, मॉडल बॉडी है। ये क्या है, ये इसी को जाहिर कर रहा है, अगर आप इस तरह का एक मॉडल बनाना चाहते हो तो ये वाला मॉडल बॉडी है, ये मॉडल हेड है, ये मॉडल साइज है, क्लिक करने पर जो मॉडल ओपन होता है उसको मॉडल ट्रिगर कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है, आपने जस्ट इनको यूज करना है, और इसका तरीका बहुत ही आसान है, मैं अभी आगे चल के बताऊँ। अच्छा, बूटस्ट्रैप के टेबल में, अगर बूटस्ट्रैप के टेबल की बात करें, तो टेबल के लिए बूटस्ट्रैप आपको स्ट्रक्चर पूरा प्रोवाइड करता है, इसकी सी एस एस प्रोवाइड कर देता है, जिसमें आप उसकी बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, लाइक उसकी रोज को स्क्रिप्ट कर सकते हो यानी डिफरेंट कलर वेरिएशन के साथ, उसका बॉर्डर सेट कर सकते हो, माउस ओवर पर रो को हाईलाइट कर सकते हो, और रिस्पॉन्सिव कर सकते हो यानी स्क्रीन के साथ साथ उसकी जो विड्थ है वो कम बेश हो सकती है। जैसे बिलफर्स अगर ये आपको टेबल दिखाया जा रहा है, तो ये टेबल में अगर आप रोज को देखें तो ये लाइट डार्क शेड में चल रहा है, इसको टेबल स्ट्रिप कहते हैं, और इसके अंदर एक छोटा सा सर्च भी मौजूद है, और टेबल की जो है ना कैप्शन भी मौजूद है, और एक पूरा स्टाइल मौजूद है। ये आप टेबल हेडिंग और टेबल बॉर्डर सेट किए करने के साथ आप मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टी लगा सकते हो क्लासेस की मदद से, तो आपके टेबल्स सेट हो जाएंगे। अभी हम आगे चल के देख भी लेते हैं। फॉर्म्स को डिजाइन करने के लिए भी बूटस्ट्रैप के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, उसके लिए फॉर्म का बेसिक स्ट्रक्चर है, फॉर्म को लेआउट बना सकते हो, फॉर्म के कंट्रोल की डिफरेंट स्टाइलिंग हो सकती है, फॉर्म ग्रुप एक क्लास है वो अप्लाई कर सकते हो, लेबल्स वगैरह पे काम कर सकते हो, और इस तरह के अट्रैक्टिव फॉर्म्स बना सकते हो। ये सारा कमाल सी एस एस के बूटस्ट्रैप का है। तो ये एक ओवरव्यू था बूटस्ट्रैप का। अब मैं आपको बूटस्ट्रैप की थोड़ी सी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ, राइट? अच्छा, उसके लिए मैं अपने वी एस कोड में जा रहा हूँ। नहीं ओपन हो रही, अच्छा,
यहां पे मैं एक फाइल बनाने जा रहा हूं बीएस ट्यूटोरियल डॉट एचटीएमएल के नाम से, और बॉयलर प्लेट की मदद से मैं उसी तरह का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है। अब स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन क्या है कि हाउ टू इंक्लूड योर बूटस्ट्रैप, मतलब ये पेज है इसमें बूटस्ट्रैप को कैसे इंक्लूड करेंगे। तो बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करने के लिए आपने क्या करना है जी? जी जी बता रहा हूँ बता रहा हूँ, उसके लिए एक वेबसाइट है getbootstrap.com। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के वर्जन मौजूद है, हम लेटेस्ट वर्जन उठा लेते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं कि डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, डाउनलोड में कई तरीकेकार हैं जिसके थ्रू आप काम कर सकते हो। तो सबसे पहला जो इजी स्टेप है, हम क्या करते हैं कि हम थ्रू CDN करते हैं। CDN क्या होता है? CDN एक एक्सटर्नल लिंक होता है जिसकी लिंक की मदद से आप पूरी CSS यहाँ पे उठा सकते हो। मिसाल के तौर पर मैंने पूरी CSS उठा ली, डाउनलोड नहीं किया अभी, मैंने एक स्क्रिप्ट फाइल उठा ली और मैंने इसमें लिंक यानी CSS इंक्लूड कर ली। अभी मैंने डाउनलोड कुछ भी नहीं किया, मैंने अभी ऑनलाइन bootstrap.win.css की फाइल इंक्लूड की है और bootstrap bundle.js इंक्लूड किया। दूसरा उसने क्या कहा कि जावास्क्रिप्ट को भी इंक्लूड कर लें, ठीक है। तो मैं कुछ और फाइलें भी इंक्लूड कर लेता हूँ, वो लास्ट पे रख देते हैं, यहाँ पे मैंने लास्ट पे रख दी। तो इससे मैंने ये चार फाइलें इंक्लूड कर ली, राइट। यहाँ तक बात समझ आ गई जी? देखो बेटा, यहाँ पे मैंने एक फाइल है bootstrap.min.css, bootstrap.bundle.js, bootstrap.min.js, super.min.js, ये कुछ फाइलें मैंने उठा ली, ठीक है। और एक फाइल मुझे चाहिए jQuery, तो मैं jQuery भी ऑनलाइन पिक कर लेता हूँ। jQuery ऑनलाइन CDN, jQuery CDN लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये CDN है इसको मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने अपनी स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर CDN से ही jQuery उठा ली, राइट। यहाँ तक बात समझ आ गई? और jQuery के बाद मैंने ये चीज़ें पैक, यानी ये बात याद रखें कि जितनी भी JS की फाइलें होंगी ना, ये CSS की फाइल ऊपर जानी चाहिए। दिस वन इज फॉर CSS, ये मैं यहाँ से उठा के ऊपर ले जाता हूँ, और बाकी जितनी भी JS की स्क्रिप्ट की फाइलें हैं वो मैं बॉडी के एंड पे, यानी मैं इवन के यहाँ पे भी उठा, यहाँ से कट करके मैं बॉडी के एंड पे भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे भी डाल सकता हूँ। तो ये मेरी स्क्रिप्ट की फाइलें ऐड हो गई, ठीक है। कुछ कई तरीके कार हैं, पहला तरीका ये है कि आप CDN से पिक कर लें, जो सबसे आसान तरीका कार है। लेकिन अगर आप इसको लोकली डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका तरीका कार दिया गया है, वो भी हम देख लेते हैं थोड़ी देर। अच्छा, अब आपने करना क्या है, इसको मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, ये एक एम्प्टी पेज रन हो चुका है। यहाँ पे मैं सिंपल अभी H1 लिख रहा हूँ, ये देखिए। अभी आपने नोट किया कि इस वक्त हेडिंग का स्टाइल ही चेंज है ना? वैसे H1 हम लिखते थे वो किसी और फॉर्मेट में, किसी और फॉन्ट साइज में आता था, स्टाइल में आता था। तो अब ये बूटस्ट्रैप का कमाल है कि उसने उसको एक CSS दे, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रिड जो कि लेआउट है उसमें कैसे काम करना है, बहुत ही आसान है, सारा कुछ आपने HTML में करना है, CSS में कुछ भी नहीं करना। अब मजे की बात है कि CSS से तकरीबन जान छूट चुकी है, क्यों? क्योंकि आपने CSS बूटस्ट्रैप को यूज़ कर लिया हो। लेकिन जान छूटी है कस्टमाइजेशन में, फिर आपको जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक डिव ऐड कर, अच्छा इस डिव को मैं कह देता हूँ कि सारा काम आपने क्लास की मदद से करना, कंटेनर। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, या मैं बूटस्ट्रैप फाइव को मैं क्विक स्निपेट इंस्टॉल कर लेता हूँ। और फॉन्ट ऑसम भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। क्विक स्निपेट ये हो चुका है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं जब आता हूँ
यहाँ पे तो क्लास कंटेनर आ गई, ये बात समझ आ गई। अब इस क्लास के अंदर मैंने रो बनानी। अब जैसे आप रो लिखते हो, आपको जो अभी मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की है बूटस्ट्रैप की, उससे रिलेटेड आपको ये बहुत सारी ऑप्शंस देना शुरू कर देता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो एक पूरी डिव बना देता है, ये जस्ट सिखाने के लिए। अभी इसमें आपने नहीं जाना, ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, इसको आपने सिर्फ समझना है डिव। और इस डिव के अंदर मैं एक रो ऐड करने जा रहा हूँ, क्लास रो, ठीक है, ये रो ऐड हो। अब रो के अंदर मैं दो कॉलम्स ऐड करना चाह रहा हूँ, डिव कॉलम वन और जी बेटा दे रहा हूँ क्लास के थ्रू दे रहा हूँ ना। इसके अंदर आपने जो प्रॉपर्टी, जो क्लास का नाम सेट करना है वो कॉल सेट करना है। अच्छा, अब देखो मैंने तीन चीजें लिखी यहाँ पर, कंटेनर, रो, कॉल। ये तीनों क्लासेस कहाँ पे डिफाइंड है? बूटस्ट्रैप की सीएसएस में। इनके अगेंस्ट क्या हो रहा है अभी मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। ये देखा आपने। अब लाइक मैं एक सिर्फ कॉपी पेस्ट करता हूँ तो तीन कॉलम अपीयर हो गए, राइट। इसके ऊपर मैं एक और रो बनाता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ कि एक रो है और इस रो के अंदर एक एक ही कॉलम है। तो आप सिर्फ एक दफा कॉल लिख लेंगे और इसके अंदर कोई भी कंटेंट डाल दो, तो आपने देखा कि ये ग्रिड बन। अब बिलफर्ज आप एक और रो बनाएं, जितनी मर्जी रो बनाएं, तो लेआउट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। तो यहाँ पे लाइक आप जितने मर्जी कॉलम्स बनाएं, तो आपने देखा कि जितने मर्जी कॉलम्स बना सकते हैं, है ना। तो अब जैसे मैं आपको कोई भी वेबसाइट दिखाऊं, ताकि अगर ये वेबसाइट है तो अगर आप ये देखिए तो ये भी ग्रिड में मैनेज हुआ हुआ है। जैसे ये सबसे ऊपर वाली रो में क्या नजर आ रहा है आपको? ऊपर वाली रो में लोगो है और कुछ लिंक्स हैं, ऐसे ही है। दूसरी वाली रो में नेविगेशन बार आपको नजर आ रही है ना, और तीसरे वाले में आपको क्या नजर आ रहा है? एक स्लाइडर नजर आ रहा है ना। उसके बाद आपको एक रो नजर आ रही है, उसके अंदर आपको दो दो कॉलम्स नजर आ रहे हैं। तो ये अपने आपको लिक्विड लिक्विफाई भी करता है, मतलब अगर मैं इसको छोटी स्क्रीन बड़ी स्क्रीन में लेके जाऊंगा, ये समझ लेंगे मोबाइल व्यू है, तो मोबाइल व्यू में ये ऐसे नजर आए और सारी नेविगेशंस आपकी इसमें आ जाएगी, क्योंकि मोबाइल छोटी स्क्रीन होती है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिवनेस अचीव करने के लिए आपके पास बूटस्ट्रैप की जबरदस्त फैसिलिटी मौजूद है। अगर आपने ये ग्रिड बनाना है तो ये बनाना कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये कैसे बनेगा बताएं मुझे? ये वाला ग्रिड बनाना चाह रहा हूँ, तो इस ग्रिड को देखें, इसमें दो रोज हैं, तो मैं दो रो बना लेता हूँ हिसाब के तौर पर। ये पहली रो में जो कॉलम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से कि 50% और फिर 25-25% ऐसे ही है ना। तो ये कैसे बनेगा, यानी अब ये वेरिएबल विड्थ के साथ कैसे काम होगा? तो इसमें टोटल कितने कॉलम है? पहली रो में तीन कॉलम है, तो मैं सबसे पहले तो तीन कॉलम बनाता हूँ। ये लें जी, कितने कॉलम बन गए? कितने कॉलम बन गए इस रो में? तीन कॉलम बन गए। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पहला कॉलम है ये सिक्स और ये थ्री थ्री, इसका क्या मतलब है अभी मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपने इसकी विड्थ सेट कर दी, यानी अगर 12 सेगमेंट्स हैं तो 12 में से 6 सेगमेंट किसको मिल गए? फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को, और थ्री थ्री किसको मिल गए? सेकंड रो सेकंड फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम।
अगर आप देखें तो ये चीज तकरीबन वही चीज बन गई, यानी पहली जो पहला जो कॉलम था वो 50% पे आ गया, और दूसरे जो दो कॉलम है किस पे आ गए, 25-25% पे आ गए। ये बात समझ आ गई। अब इसके अंदर आप कोई भी पिक्चर वगैरह डाल सकते हो, कोई भी कंपोनेंट डाल सकते हो। तो ये तो हो गया लेआउट, लेआउट आपको समझ आ गया। अच्छा, अब इसमें आपने करना क्या है, देखिए हम चूंकि मान स्टैक को पढ़ रहे हैं, मान स्टैक में बहुत बड़ा पोर्शन रिएक्ट का है, मोंगोडीबी का है, एक्सप्रेस का है। इसके अंदर फ्रंट एंड जरूर इन्वॉल्व होगी, बूटस्ट्रैप भी इन्वॉल्व होगी, लेकिन उसका तरीकाकार आपको क्या करना पड़ेगा कि बूटस्ट्रैप की थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करनी होगी। मैं आपको बहुत ही बेसिक और एडवांस लेवल में बताऊंगा, जिस लेवल पे मैं बताऊंगा आपको सारी समझ आ जाएगी, उसी नॉलेज को पढ़ते हुए आपने जस्ट इसको एक्सप्लोर करना, ठीक है। तो एक्सप्लोर करने के लिए आप कहाँ पे जाओगे, यहाँ पे है गेटिंग स्टार्टेड डॉक्स के अंदर, गेट बूटस्ट्रैप वेबसाइट के अंदर कहाँ पे जाओगे, डॉक्स। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने आ जाना है लेआउट के अंदर, ये लेआउट्स। अब ये लेआउट्स में हमने अभी तक कंटेनर सीखा, ग्रिड सीखा, कॉलम सीखे, है ना। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है एक कंटेनर, कंटेनर के अंदर कंटेनर की डिफरेंट टाइप्स हैं मैं मानता हूँ, लेकिन इसको आपने थोड़ा सिर्फ एक कंटेनर को लेके चलना। उसके अंदर हमने ग्रिड सीखा, ग्रिड के अंदर डिफरेंट कॉलम कैसे ऐड होते हैं, और उसके बाद हमने उसके कॉलम्स कैसे ऐड किए, और कॉलम्स को हम डिफरेंट साइज के कैसे करते हैं। तो इन सब के लिए क्लासेस मौजूद है, सिर्फ आपने क्लासेस के नाम देने हैं। लेट से अगर आपने ये ग्रिड बनाना है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट बताऊं तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि आपने हर रो के अंदर कॉलम को ऑफसेट किया, जैसे इसमें आपने 1 ऑफसेट किया हुआ, इसमें 2 ऑफसेट किया हुआ, तो इसलिए आपको ऑफसेट की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर। ये देखें, ये देखें, ये ऑफसेट कर रहा है। जस्टिफाई कंटेंट अराउंड, जस्टिफाई कंटेंट एंड, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यानी इसका क्या मतलब है कि जो भी रो है वो सेंटर में अलाइन हो जाए। जैसे ये दोनों, ये जो दो है ना, ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, तो इस वजह से ये आउटपुट आ रही है। अगर मैं टॉप वाले की बात करूँ तो ये लेफ्ट सेंटर है, लेफ्ट है, स्टार्ट है, यानी जस्टिफाई कॉन्टेंट स्टार्ट, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ जस्टिफाई कॉन्टेंट एंड, यानी वो एंड पे रिप्लेस करें। तो आपने रो के अंदर एक क्लास का नाम डाल दिया जस्टिफाई कंटेंट एंड। तो ये बूटस्ट्रैप के अंदर इस तरह की बहुत सारी क्लासेस हैं जो मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस आपको देती हैं। ये बात समझ आ गई। अच्छा, अगर आपने इसको कॉलम, अच्छा अब नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो ब्रेक पॉइंट्स है। ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं, मिसाल के तौर पर ये देखें, मैंने आपको अभी ये एक ग्रिड बना के दिखाया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, छोटी स्क्रीन पे ले जाता हूँ, मैं इसको छोटी स्क्रीन पे ले गया, यानी छोटी स्क्रीन पे ले जाने का असल तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे, और इंस्पेक्ट के बाद आप सिलेक्टर टूल में जाएंगे। सिलेक्टर टूल में जाने के बाद आप इसको यहाँ से ये मोबाइल व्यू करेंगे, और मोबाइल व्यू के अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के आईफोन में ये कैसा दिखेगा, Pixel 7 में कैसा नज़र आएगा, आईपैड एयर में कैसा नज़र आएगा, सैमसंग गैलेक्सी में कैसा नज़र आएगा, तो ये उसका रिस्पॉन्सिव व्यू है। लेकिन अगर मैं सैमसंग गैलेक्सी में या छोटी स्क्रीन में, मैं नहीं चाहता कि ये लेआउट आए, लेकिन बड़ी स्क्रीन में ये लेआउट आए, तो इसको कहते हैं यूजिंग ब्रेक पॉइंट्स चेंजिंग द लेआउट्स। यानी ब्रेक पॉइंट को यूज करते हुए आप लेआउट को क्या करते हो, चेंज करते हो। मिसाल के तौर पर सेम वेबसाइट होगी, मोबाइल पे और तरह से लोड होगी और बड़ी स्क्रीन पर और तरह से लोड होगी। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ब्रेक पॉइंट आइडेंटिफाई करने का। मैं इस पर ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, देखिए बहुत आसान है।
अब यहां पे देखें, लेआउट चेंज हुआ, यहां पे देखें लेआउट चेंज हुआ, तो समझ आ रही है बात की। अब इसमें दो कॉलम आ गए है ना, हालांकि मैंने इसमें तीन कॉलम डाले थे, तीन कॉलम इस तरह से डाले थे। मैंने ये कहा कि ये जो पहला कॉलम है ना, ये मीडियम स्क्रीन के लिए 6 रखो, यानी 50%, और इसके लिए स्मॉल स्क्रीन के लिए मैंने कोई डेफिनेशन नहीं दी। तो जब स्मॉल स्क्रीन के लिए मैंने कोई डेफिनेशन नहीं दी तो वो अप्लाई एज इट इज होगा। लेकिन इसमें मैंने ये कहा कि स्मॉल स्क्रीन के लिए एक डेफिनेशन है, एसएम मीन स्मॉल स्क्रीन, एक्सएस मीन एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन, समझ आ रही है बात, मीडियम स्क्रीन। तो ये स्क्रीन की मदद से, यानी स्क्रीन के साइज की मदद से, अब इसका क्या मतलब है पहले ये समझे। इसका मतलब ये हुआ कि अभी दिखाता हूं आपको, कॉल MD3। अब मैंने इसमें एक से ज्यादा क्लास दे दी, मैंने ये कहा कि ये जो आखिरी वाली दो कॉलम्स हैं मीडियम के हिसाब से 25% पे डिस्प्ले होने चाहिए, और अगर स्मॉल स्क्रीन है तो फिर 50% पे डिस्प्ले होना चाहिए, और इस तरह एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी 50% पे डिस्प्ले होना चाहिए। मैं इसको 12% यानी 12 भी लिख सकता हूँ, 12 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, 100%। बात समझ आ रही है, मैं आपको बताता चलूँ, 12 का मतलब 100%, 6 का मतलब 50%, 3 का मतलब 25%, 9 का मतलब 75%, और MDSM का मतलब स्क्रीन साइज। ठीक है, तो स्क्रीन साइज के हिसाब से आप इसको कैसे वो करते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें, अब इसने अपने आप को दोबारा अरेंज कर लिया क्योंकि ये मीडियम स्क्रीन में आ गया। तो मीडियम स्क्रीन में मैंने कहा कि 633, वो 633 के हिसाब से एडजस्ट हो गया। अब मैं इसको किसी स्मॉल स्क्रीन में लेकर जाता हूँ, ये स्मॉल स्क्रीन में आ गया, तो ये सारे 100% पे आ गए। इसलिए आ गए क्योंकि एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए मैंने डिफाइन 12 किया हुआ, तो वो 12 12, यानी 100 100% आ गए। देख रहे हो, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100। इसको कहते हैं लिक्विड बिहेवियर ऑफ योर वेबसाइट, यानी आप अपने कंटेनर के हिसाब से, स्क्रीन साइज के हिसाब से डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स लगाते हैं। ब्रेक पॉइंट्स के हिसाब से फिलॉसफी क्या है ये जरा भी देखते हैं। ब्रेक पॉइंट की फिलॉसफी, ब्रेक पॉइंट की फिलॉसफी ये है कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ स्क्रीन, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, और उनकी नेमिंग कन्वेंशन भी आपको दिए गए हैं, जैसे भी हमने इसमें एसएम यूज किया था, एमडी यूज किया था, इवन एलजी एक्सएल भी यूज कर सकते हैं। और स्क्रीन का साइज यानी स्क्रीन की रेजोल्यूशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली क्लास अप्लाई हो जाती है। जैसे अगर मेरी स्क्रीन का साइज 992 होगा तो एलजी वाली क्लास अप्लाई होगी, और अगर मेरी स्क्रीन का साइज 768 से बड़ा बट 992 से छोटी स्क्रीन होगी तो ऑटोमेटिकली एमडी वाली अप्लाई होगी। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये वाली क्लास अप्लाई हो जाएगी और बाकी दोनों क्लासेस अप्लाई नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि 50% पे ये कॉलम अपने आप को अरेंज कर रहे हैं। तो वेरी सिंपल, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेआउट्स ऑफ द बूटस्ट्रैप फॉर डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, देखें ये मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, मंथस्टैक में सिर्फ इसका टच है, लेकिन मैं आपको डिटेल इसलिए दे रहा हूँ कि जब आप मंथस्टैक के अंदर आप ये वाली क्लासेस यूज करें तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो। देखिए आपने इसमें क्या करना है, अभी मैं एक काम करने जा रहा हूँ, लेआउट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है आप लोगों, जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं इसी की बेस के ऊपर लेआउट को फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारी कुछ और क्लासेज हैं, वो आपने पढ़ के आनी है और अंडरस्टैंड करनी है। दूसरी चीज़ जो इसमें है वो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, मैं आपको कंपोनेंट्स के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ। ये अब देखें इसके अंदर लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स मौजूद है, अकॉर्डियन, अलर्ट्स, बैज, ब्रेडक्रम, बटन्स, ये वो गैजेट्स हैं, ये वो कंपोनेंट्स हैं जो तकरीबन हर वेबसाइट को चाहिए होती, और उन्होंने बड़े आउट ऑफ द बॉक्स यानी आउट क्लास किस्म की इन्होंने गैजेट्स बनाए हैं। जस्ट आपने कॉपी करना और पेस्ट करना है, आपके पास वो गैजेट है। मिसाल के तौर पर अभी हम एक काम करना चाह रहे हैं, हम अकॉर्डियन बनाना चाह रहे हैं। अकॉर्डियंस होती क्या है यहाँ पर आपको पता है, ये देखिए अकॉर्डियंस ये होती है, लेट्स से आपको वेबसाइट पर ये चीज़ अगर आपने दिखा दी, ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारी एक वेबसाइट है, ये वाली हमारी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें यहाँ पे हमने अब ये जो थीम सारा बना हुआ है किसके ऊपर बना हुआ है, बूटस्ट्रैप के ऊपर बना हुआ है। ये देखिए अब ये जो FAQs हैं यहाँ पे यूज हो रहे हैं ना, ये तो अगर आपको ये चीज़ लगानी है तो कैसे लगाओगे,
अकॉर्डियंस, अभी दिखाता हूँ ये कैसे लगेगा, बहुत ही आसान है। अकॉर्डियन का कोड पूरे का पूरा आपके पास अवेलेबल है, जस्ट उसमें कोड कॉपी पेस्ट करो और आपका डन है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इस जगह पे आके अकॉर्डियन ऐड करना चाहता हूँ, यानी 50% विड्थ में अकॉर्डियन मेरा ऐड होना चाहिए। मैं अब इसकी रिस्पॉन्सिवनेस खत्म करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ अकॉर्डियन वर्क्स, ठीक है, समझ आ गई, क्लियर? तो मुझे बताओ अब कितना आसान हो गया, इसमें कोई सीएसएस पे काम करना पड़ा हमें? इसके पीछे सीएसएस खुद मौजूद है, अगर आपने इसको कोई कलर स्कीम वगैरह चेंज करनी है तो वो चाइल्ड थीम वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वो हम बाद में सीखेंगे। तो ये हमारे कॉलम वन में काम हो। इसी तरह लेट्स से अगर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ये वेबसाइट है हमारी, ये भी हमने इसी पे बनाई है। अब मिसाल के तौर पे आपको ये स्लाइडर चाहिए, अट्रैक्टिव किस्म के स्लाइडर्स बना के आप लगाना चाहते हो, तो अब आपको क्या तरीका कार करना पड़ेगा, बूटस्ट्रैप के अंदर मौजूद है इसके लिए कैरेसल, कैरेसल में जाओगे ये स्लाइडर मौजूद है, राइट। इसमें से जो भी आपको पसंद है, लाइक मुझे लेट्स से कैप्शंस के साथ पसंद है तो मैं कैप्शन वाला कोड उठाऊंगा और मैं सबसे टॉप के ऊपर यहाँ पे इस वाली रो में मैं कैरेजल डालना चाहता हूँ, इसके नीचे एक रो बनाऊंगा उसमें कैरेजल डालना चाहता हूँ। तो बहुत ही आसान, मैं सबसे पहले वाली रो में आ जाता हूँ, ये वाली रो, इसके अंदर मैं एक इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ मैं, और नीचे यहाँ पे मैं ये कैरेजल ऐड करना चाहता हूँ। कैरेजल में क्या उसका पूरा कॉन्टेंट उठाया और मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। अब ये मेरा कैरेजल यहाँ पे रेडी है, बट कैरेजल रेडी तो है, इस कैरेजल के अंदर मेरे पास कंटेंट मेरी मर्जी का नहीं है, तो मैं कंटेंट क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कुछ इमेजेस डालूँ। इमेजेस में क्या कर लेता हूँ, मैं कुछ इमेजेस पिक कर लेता हूँ, लाइक ये तीन इमेजेस मैंने ओपन करनी है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं जो मेरा प्रोजेक्ट है मनस्टैक का, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ इमेजेस, इसमें जाके मैं सेव कर दूँ। ये पहली इमेज सेव हो गई, ये दूसरी इमेज सेव हो गई और ये तीसरी इमेज सेव। अब मेरे पास तीनों इमेजेस आ गई हैं, मैं यहाँ पर अपनी चॉइस के मुताबिक पहली इमेज यहाँ पर डालना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैं इमेजेस पे जाऊँगा, यहाँ पे मुझे कह रहा है ये पहली इमेज, और दूसरी सोर्स में मैं जाऊंगा, यहाँ पर इमेज में गया, इमेजेस के फोल्डर में गया, यहाँ पे ये मुझे दूसरी इमेज मिल गई, और मैं यहाँ पर गया इमेज के फोल्डर में और मुझे यहाँ पर तीसरी इमेज मिली। बाकी कंटेंट वगैरह मैं नहीं छेड़ रहा, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, जस्ट डन। इतना आसान है, एनी क्वेश्चन जी, क्या करना हो? ओके, इसके लिए आपको जेक्यूरी और रिएक्ट और मॉन्स्टैक ये सारी चीजें आगे आ रही हैं। अभी सिर्फ आप बूटस्ट्रैप के कॉन्टेक्स्ट में चीजें सीखे कि बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट्स कैसे इंक्लूड होता है, ठीक है? अभी तो बहुत डिटेल में जाना हमने, तो ये बात क्लियर हो गई। अब मुझे बताओ कि अगर मैं आपको कोई टास्क दूं, मिसाल के तौर पर ये सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे अभी इसमें दो मैंने यूज़ किए अकॉर्डियन का और कैरेजल का, अगर आपने कार्ड्स लगाने हैं तो कार्ड किस तरह के होते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं उसका यूजेज क्या है, तो लाइक मैं अगर आपको यूजेज दिखाऊं तो ये देखें ये कार्ड्स है ना, तो अगर इस तरह की चीज़ बनानी है तो बनानी क्या है, आपने कॉपी करनी है, लाइक आप गए यहाँ पर ये कोड कॉपी किया और ये जो लेट्स से के जो मेरे आखिर में दो कॉलम्स थे मैं इसमें कार्ड कॉपी कर दी, पहले मैं ये कार्ड कॉपी कर दी और दूसरे में ये कार्ड कॉपी कर दी, ओके। और इमेज में मैं इमेजेस में क्या, और मैं एक में करूँ, अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें ये मेरा एक कार्ड बन गया, वो अलग बात है कि
का साइज और ये वो मिसमैच हो रहा है वो मैं लगा सकता हूँ, वो कोई बड़ा मसला।